अब आप चाहते हैं कि हमें इसका साइज चेंज करना है, कम करना है या बढ़ाना? बढ़ाना है वो एक अलग चीज है, अगर आपको कम करना है तो उसको आप कम कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, अभी तो ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में खुल रहा है। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं खुलेगा, नॉर्मली कोई भी फोटो रहता है वो कहाँ खुलता है? राइट क्लिक करना है हम इसके ऊपर, ओपन विथ पर जा रहे हैं, और यहाँ से आप जा रहे हैं इस पे विंडोज फोटो व्यूअर में खुलता है या फिर फोटोज में खुलता है, मतलब इस तरह का आपके सामने खुलेगा। ठीक है, अब आपको किस में जाना है? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाना है। तब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे ओपन विथ पर, और यहाँ से आप क्लिक कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। इस पर ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ठीक है, साइज आप डॉक्यूमेंट का कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक कर रहे हैं, हम ओपन विथ पर जा रहे हैं, आप है विंडोज फोटो व्यूअर में इस पर, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब डायरेक्ट आप यहीं से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ओपन का, आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इसमें जाएंगे। ठीक है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जो रहता है इसको आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। ठीक है, और ये रहता है विंडोज फोटो व्यूअर और फोटोज, ये आप कंप्यूटर में पहले से ही रहता है, और पेंट भी पहले से ही रहता है। ठीक है, ये तीनों आपके पहले से ही रहते हैं, आपको इंस्टॉल नहीं करवाने पड़ते। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर चाहिए, मतलब आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को का जो साइज है वो कम ज्यादा करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, तब आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर का यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे साइज कम कम करना आसान होता है। इसको हमने अभी आपको बताया था, आपके पास सेटअप होना चाहिए या फिर आपको मैकेनिक से करवाना। अगर सेटअप है तो आप खुद कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और से करवाना है, मैकेनिक से करवाना है, तो आप उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, अब इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, इसका साइज कम करना हम आपको कल बता देंगे।